दोस्तों रिचार्ज तो हम सब करते ही हैं, हम अपने मोबाइल में भी रिचार्ज करते हैं, डीटीएच में भी रिचार्ज करते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम इलेक्ट्रिसिटी बिल भी भरते हैं, तो हम या तो खुद भरते हैं या हम बाहर किसी स्टोर या मार्केट में जाके करवा के आते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर कोई भी कमीशन, कैशबैक या डिस्काउंट देखने के लिए नहीं मिलता है। हाँ, कुछ ऐप्स आ गई हैं आज की डेट में जिसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाई हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपके सामने जिस ऐप को लेकर आया हूँ उसके अंदर आपको मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज पे तो कमीशन मिलता ही है जैसे पहले के रिचार्ज ऐप्स में मिलता था, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर भी कमीशन देखने के लिए मिलेगा, जो कि एक प्लस पॉइंट है पहले के ऐप के कंपैरिजन के अंदर। और इसके अलावा दोस्तों आजकल बहुत से लोग प्ले स्टोर पर गेम्स वगैरह खेलते हैं, तो फ्री फायर एक बहुत फेमस सा गेम है जिसको लोग बहुत ज़्यादा खेलते हैं, तो इनके भी टॉपअप हो जाते हैं जिस ऐप के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ उस ऐप के साथ। और रही बात मोबाइल रिचार्ज और डीटीएच रिचार्ज में कितना कमीशन मिलेगा, तो ये पहले की ऐप के कंपैरिजन में आपको अच्छा ही कमीशन देखने के लिए मिलने वाला है इस ऐप के अंदर भी। दोस्तों इस ऐप की कुछ खास बात हैं, जैसे कि इस ऐप की रिटेलर आईडी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, आपको रिटेलर आईडी के लिए कोई पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इस ऐप के अंदर आपको ऐड मनी के लिए कोई भी लिमिट नहीं है, आप एक रुपए से लेकर कितना भी पैसा ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है कि मिनिमम 100 होगा ऐड मनी या मिनिमम 200 होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे अगर आपको सिर्फ 10 रुपए का रिचार्ज करना है तो आप 10 रुपए ऐड करके आप रिचार्ज कर सकते हैं। तो ये ऐप कौन सी है, ये कैसे काम करेगी, इसमें कितना परसेंट कमीशन मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी में भी कितना परसेंट कमीशन मिलेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों इससे पहले मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊँ, उससे पहले आपसे है गुजारिश कि वीडियो को कर लीजिए लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, मैं आपके लिए इस तरह की वीडियोस लाता रहूंगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो जिस ऐप के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, उस ऐप का नाम है एसके फास्ट रिचार्ज। इस ऐप के बारे में दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, प्ले स्टोर के अंदर इसके अभी अभी ऐप आई है, 500 प्लस डाउनलोड हो चुके हैं, 4.2 से ज़्यादा आपको रेटिंग देखने के लिए मिल रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एक रिचार्ज ऐप के अंदर इतनी अच्छी रेटिंग बहुत ही कम देखने के लिए मिलती है। तो सिंपली आप इसको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद आप इसको डाउनलोड करने के बाद इसको इस तरह से कुछ ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपसे यूजर नेम और पासवर्ड पूछा जाएगा। अगर आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो सिंपली आप साइन अप नाउ पे क्लिक कर देंगे। तो रिटेलर आईडी बिल्कुल फ्री है दोस्तों, आपको किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं देना है। आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और नेम भर के रजिस्टर में पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक यूजर नेम और पासवर्ड और पिन मिल जाएगा, जिससे आप इस ऐप को लॉगिन कर पाएंगे। क्योंकि मैंने ऑलरेडी साइन अप कर रखा है तो मैं यहाँ पर सीधा यूजर नेम और पासवर्ड फिल कर देता हूँ। एक बार सक्सेसफुल लॉगिन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आने लग जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर दिख रहा है सक्सेस, पेंडिंग, रिफंड, फेल्ड। मींस ये जो रिचार्ज सक्सेस हो गए हैं, पेंडिंग है, रिफंड है और फेल है, उनकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर शो हो रही है। ऊपर आपको मेन बैलेंस और DMR बैलेंस दिख रहा है, यहाँ पर आपका जो मेन बैलेंस होगा वो आपके सामने शो होने लग जाएगा। इसके साथ एक WhatsApp का साइन है, आप डायरेक्ट WhatsApp पे सपोर्ट लेना चाहते हैं इस ऐप से रिलेटेड किसी भी हेल्प की, तो आप जैसे इसको टैप करोगे तो आपके सामने WhatsApp का आइकन आ जाएगा। आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्ट उनके कस्टमर केयर से कनेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले रिचार्ज की बात कर रहे हैं और इसकी सर्विसेज की बात कर रहे हैं, तो पहले जान लेते हैं कि ये ऐप कौन कौन सी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है। सर्विसेज पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने प्री पेड, DTH, पोस्ट पेड, डाटा कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन बिल, गैस बिल, इंश्योरेंस, पैन कार्ड, बस और जियो फोन बुकिंग जैसी सर्विसेज मिल जाती हैं। एक और सर्विस मिलती है जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, वो है कि आपके फ्री फायर के रिचार्ज भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्रीपेड पे क्लिक करना है, जियो लाइव पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जिस भी कस्टमर के लिए आपको फ्री फायर का रिचार्ज चाहिए आप उसका मोबाइल नंबर भरेंगे और नीचे जितने रुपये का अमाउंट भरेंगे उतने का आपका रिडीम कोड मिल जाएगा उस कस्टमर को। सिंपली आपको रिचार्ज पे क्लिक करने हैं और आपको एक ट्रांजेक्शन आईडी मिलेगी, जो ट्रांजेक्शन आईडी होगी वही उसका कोड होगा रिडीम करने के लिए। अब बात करें दोस्तों इस ऐप के अंदर रिचार्ज किस तरह से करते हैं, तो सिंपली आपको रिचार्ज करने के लिए कुछ बैलेंस को ऐड करना पड़ता है। बैलेंस को ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर ऐड मनी पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर ऐड मनी की कोई भी लिमिट नहीं है, आप कितना मर्जी पैसा ऐड कर सकते हैं। आप सिंपली जैसे मैं यहाँ पर आपको सिर्फ 50 रुपये ऐड करके दिखा देता हूँ, मैंने 50 रुपये पे क्लिक किया और ऐड बैलेंस पे क्लिक किया। ऐड बैलेंस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर पांचों तरह के UPI ऑप्शंस आ जाएंगे। आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी UPI ऐप को सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे मैंने फ़ोनपे को सिलेक्ट कर लिया। फ़ोनपे को सिलेक्ट करने के बाद मुझे ये फ़ोनपे के सर्वर के अंदर ले जाएगा, वहाँ पर मैं सिंपली अपनी बैंक सेलेक्ट करके अपनी पिन भर दूंगा। कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी। बैलेंस अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आपके सामने आ गया है, तो आप यहां पर देख सकते हैं जो 2 रुपये बैलेंस आपके सामने शो कर रहा था अब वो 52 रुपये हो चुका है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं रिचार्ज की, रिचार्ज कैसे होगा। मैं जाता हूं सर्विसेज के अंदर, यहां पर जाता हूं प्रीपेड के अंदर, मैं अपनी सुविधा के अनुसार कस्टमर का मोबाइल नंबर भरूंगा, उसके बाद अमाउंट भरूंगा और सीधा रिचार्ज पे क्लिक कर दूंगा। मैंने यहां पर 50 रुपये का रिचार्ज आपको करके दिखा रहा हूं, रिचार्ज पे क्लिक किया, कंटिन्यू पे क्लिक किया और कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये रिचार्ज सक्सेसफुल हो जाता है।
आप देख सकते हैं यहाँ पर रिचार्ज रिक्वायर सबमिट सक्सेसफुली है और रिचार्ज की आईडी आ रही है और करंट बैलेंस शो कर रहा है। आप ऊपर देख सकते हैं कि मैंने 50 रुपये का रिचार्ज किया और अब मेरे अकाउंट के अंदर जो 52 रुपये थे अभी भी 50 का रिचार्ज करने के बाद 5 रुपये 32 पैसे के आसपास बैलेंस अभी भी पड़ा है। मीन्स 5% से ऊपर का कमीशन देखने के लिए मिला है। अब कमीशन कितना मिला है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे को कमीशन कितना मिलता है। यहाँ मैं जाऊँगा मोर के अंदर, मोर के अंदर यहाँ पर मैं कमीशंस पे क्लिक करूँगा। कमीशंस पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर देख सकता हूँ प्रीपेड के अंदर मेरे को कितना का परसेंट कमीशन मिलता है। यहाँ पर आपको वोडाफोन के अंदर 4.1% मिल रहा है जो कि पहले की ऐप से ज़्यादा है। एयरटेल के अंदर भी 3.3% मिल रहा है जो कि पहले की ऐप से ज़्यादा है। बीएसएनएल के अंदर 5.5 मिल रहा है। जियो के अंदर 4.3 मिल रहा है, ये भी काफ़ी अच्छी है। और जियो लाइव जो कि मैंने आपको दिखाया था कि फ्री फायर की अगर आप टॉपअप करते हैं तो आपको 1.5% का कमीशन देखने के लिए मिल जाता है। इसी तरह से दोस्तों डीटीएस रिचार्ज की बात करें तो डीटीएस रिचार्ज के अंदर भी आपको पहले की ऐप में आपको 4% या इससे कम मिलता था, लेकिन यहाँ पर आपको 4.1% मिल रहा है और टाटा स्काई के अंदर आपको 3.9% मिल रहा है। मीन्स टाटा स्काई के अंदर भी अप्रोक्स 4% के आसपास आपको कमीशन देखने के लिए मिल जाता है। इसी तरह दोस्तों इस ऐप की एक और खास बात है वो ये कि इसके इलेक्ट्रिसिटी बिल के अंदर भी आपको कमीशन देखने के लिए मिलता है जो कि पहले किसी भी ऐप के अंदर नहीं मिलता था। यहाँ पर आपको 0.40% किसी भी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का अगर आप बिल भरते हैं, चाहे किसी मर्जी स्टेट का हो, आपको 0.40% का कमीशन देखने के लिए मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। दोस्तों अगर इस ऐप के अंदर आपको इन फ्यूचर कोई इशू क्रिएट होता है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस होती है, तो आप सिंपली इसके कस्टमर केयर पर कॉल करेंगे जो कि स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, या आप इससे व्हाट्सएप सपोर्ट भी ले सकते हैं व्हाट्सएप के आइकन पर क्लिक करके। इसके अलावा आप ये 3 बटन सेटिंग पर क्लिक करके कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करके आप यहाँ पर कस्टमर केयर नंबर और ईमेल सपोर्ट नंबर पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन हो इस ऐप से रिलेटेड कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। इस ऐप के अलावा अगर आपकी नज़र में कोई और अच्छी ऐप है तो उसका नाम भी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे लाइक करके फीडबैक दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।